ईसाई का कान पढ़ना बहुत कठिन काम होता है। हम बात कर रहे थे किसी को 10 लाख मिल जाए तो मंदिर भी बनवा सकते हैं, कथाएं करा सकते हैं, लेकिन किसी को भूख हो 6 रोटी की, उसके पास में हो 3 रोटी और उसमें से भी अगर 2 रोटी का दान कर देता है, इससे बड़ा संसार में कोई महादान नहीं है। ले आए स्वामी जी को राज्य में। स्वामी जी को उच्च आसन पर बैठाया, मंत्री से कहा मंत्री अरे स्वामी जी के स्वागत की व्यवस्था करो। ये स्वागत का समय नहीं राजन, और पहले दक्षिणा अदा कर रे। चाबियों की गुच्छा से ये सिद्ध होता है जितना तुम्हारा राजपाट जो खजाना था वो मेरा हो गया है। घोड़े की लगाम से ये सिद्ध होता है जितना ये राजपाट जहाँ तक दृष्टि जाती तुम्हारा आज मेरा हो गया। ये नौकर चाकर सब मेरे मंत्री पाली। और जो स्वामी जी ने ये नौकर चाकर अपने बताए, स्वामी तो उड़ करके सिंहासन पर बैठ गए। स्वामी जी ये प्रजा आपकी हो गई, नौकर चाकर ये राजपाट जितनी दृष्टि जाती। स्वामी जी मैं देने से तो इनकार नहीं करूंगा। सूर्य तले चंद्र तले तले जगत निर्वहार, अपने हरिश्चंद्र का करे सत्य विचार। सूरज चाय पूर्व की जगह पश्चिम में निकल आए, गंगा उल्टी धारा में परिवर्तित हो जाए, रेगिस्तान में कमल के फूल उग जाए, मच्छर के पूंछ से पाल उग जाए, गाय उनका सिंह पर हमला कर दे, मगर इतनी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ये हरिश्चंद्र अपनी जवान देने के बाद जवान बदलेगा नहीं। स्वामी जी मैं तुम्हारे इस राज को समझ नहीं पाया, और हिलकी भर करके आज हरिश्चंद्र बोले हैं मनवर से। अब मन यारे सो करियो के कसम
बाद में कहने लगे हमें हमारी रानी तक जाने का हमें अवसर दीजिए, मैं पुरानी तीन है तीनों परामर्श कर देगी, आपका कर्ज अदा करने का कोई कोई प्रयत्न करेगी। स्वामी जी ने कह दिया। रानी तारा के पास में बादशाह सन पहुंचे हैं, सुंदर शासन दिया, जल लेकर के आई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने जल का पान नहीं दिया। रानी मैं आज पानी नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता। रानी कहने लगी महाराज पहले तो मैं कारण से ये पूछना चाहते हैं, आप असमय कैसे भवन में आ गई और चेहरे पर इतनी घबराहट है, मेरे आपका पानी पीना नहीं पसंद करते, अतः कारण क्या है? हरिश्चंद बोले रानी सुनो, कहने लगे दक्षिणा का रूप पल पल पर नहीं दिया जाता, एक मुस्त अदा करने का इसका प्रावधान है। रानी राजा परामर्श कर रहे हैं, बेटा रोहतास का आगमन हुआ है, चेहरा देखा अपने मैया बबला का तो दोनों को देख करके रूप, और रोहतास दूर से आया, बेटा को किसी ने हाथ में नहीं लिया, किसी ने गोद में नहीं उठाया। रोहतास समझ गया आज मेरे घर में कुछ मामला तो है, जब मैं दौड़ करके खेल करके आता था, माँ उठाती थी अपने लिए दौड़ती थी, पिताजी अपने लेने के लिए दौड़ते थे, लेकिन आज मेरे आदर की गति क्या बन गई, और हल्की भर करके रोहतास अपनी मैया से बोला, माँ Yeah.
जो हरिश्चंद्र तारा ने सारा वृतांत रोहिदास को बताया, एकदम से बेटा कहने लगे, माँ हम तुम तीनों प्राणी चलकर के कहीं लग जाएंगे और स्वामी जी का कल लगा हो जाएगा। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, लाला तूने अभी राजकाज देखा है, तूने किसी के ताबेदारी पराधीनता नहीं देखी है। रोहिदास कहने लगे, जैसे भगवान की मर्जी, तीनों ने परामर्श को बल दिया और तीनों स्वामी जी के पास में आ गए। स्वामी जी के हम तीनों प्राणी रखने के लिए उठे थे, हमें क्या चलना भेज सकते हो? विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें खरीदने के लिए भला कौन आएगा, कहा इसका स्थान वाला? रानी तारा कहने लगी, काशी है, काशी में हमें बेच लीजिएगा चल के, वो तो तीनों लोगों से न्यारी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसे देश में चलोगे या राजसी वस्त्र बदलोगे? राजी वस्त्र बदल दिए गए हैं, सारा सा एक कुर्ता है महाराज हरिश्चंद्र के शरीर पर, एक साड़ी मोटी सी है रानी के शरीर पर, बेटा शेष रोटी में है, चल पड़े हैं, चले जा रहे हैं। भक्तों जैसे ही अपनी रानी अयोध्या को तीनों प्राणी निकले, मुड़ करके आज अपनी माँ जननी जन्म भूमि स्वर्गा तप करी ऐसी, जन्म देने वाली से जन्म जब जहाँ जन्म होता है वो भूमि होती है। तीनों प्राणियों ने अपनी अयोध्या की मिट्टी को मुट्ठी में लिया और आंखों में आंसू जरगा करके तीनों प्राणी वचन देने लगे, माँ हमसे कोई भूल हो गई जो मैं तुझसे अलग हो रहा हूँ, अगर मेरा जीवन रहा तो मैं लौट करके माँ जरूर आऊंगा। और तीनों प्राणी वंदना करने लगे, विनती करने लगे हैं।